हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पद्मा वे ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ नो मेकअप मेकअप लुक। नाम सुनने में ही थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है ना। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें सब कुछ मेकअप तो लगाया जाता है बट बोलने के लिए नो मेकअप होता है। जैसे कि आप अगर स्कूल जा रहे हो या फिर आप कॉलेज जा रहे हो, आप डे टाइम में जब बाहर जा रहे हो तो आपको मेकअप जो है बहुत कम लगाना है। बहुत मतलब ऐसा किसी को फील नहीं होने देना है कि आपके फेस में मेकअप है बट आपने मेकअप नहीं किया है। तो इस टाइप का लुक को बोलते हैं नो मेकअप मेकअप लुक। वेरी गुड। हाँ, और एक बात बोलना ही भूल गई, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नीचे का जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर देना ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि सब कुछ तो लगा लिया, सारा क्रीम्स लगा लिया, सारा प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया, फिर कैसा नो मेकअप होता है। तो इसमें मैं एक बात बता दूँ आपको, नो मेकअप लुक यानी कि सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं बट बहुत ही कम मात्रा में यूज़ होते हैं, बहुत ही कम यूज़ होता है, जस्ट टू शो ऑफ कि मेकअप नहीं लगाया बट हाँ फेस बहुत ग्लोइंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने आज जो है यहाँ पे नो मेकअप लुक जो है मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमल मेकअप है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किया है मैंने इसमें, बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ होता है। और किसी किसी को ये जो मेकअप है नो मेकअप लुक ये थोड़ा हैवी भी लग सकता है क्योंकि अपने स्किन टोन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई क्रीम कोई प्रोडक्ट्स कम लग सकता है, कोई प्रोडक्ट्स ज़्यादा लग सकता है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे कि मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है तो इसे कवर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा कंसील यूज़ करूँगी। तो जिसको डार्क सर्कल्स नहीं है तो वो नहीं यूज़ करें। तो इसीलिए किसी के ये टोटली नो मेकअप लुक जो है ये हर स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा मेकअप जैसा लगता है, किसी को कम मेकअप जैसा दिखता है। सब कवर करने के लिए इसे सब कवर करना पड़ता है तभी वो नो मेकअप लुक होता है। नो मेकअप लुक यानी कि नेचुरली आपको दिखना है, आपका फेस ग्लोइंग भी दिखना है, सेम टाइम आपका फेस ब्यूटीफुल भी दिखना है और फेस में मेकअप है लेकिन नहीं भी है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। नो मेकअप मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे ओलिवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। ओलिवेरा जेल से मैं अपने फेस को अच्छे से पूरी तरीके से जेल को आपको लगा लेना है या कोई भी मॉइस्चराइज़र आपको लगा लेना है, अच्छी तरीके से पूरे फेस में स्प्रेड करके इससे अच्छे से फेस को मसाज कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी बहुत ही लाइट फाउंडेशन जो कि फिटमी का फाउंडेशन है, नेचुरल शेड है, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। उसको मैं अपने फिंगर टिप्स की मदद से, पूरे फेस की मदद से मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। फेस पे लगाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसे हाथ से ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छा लुक देगा ये, या फिर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसे ब्लेंड करने के लिए आप मैं यहाँ पे इस फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए इसे मैंने हाथ पे ले लिया है। हाथ पे लेके आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको फेस पे अप्लाई करना है और आप सेम इसी तरीके से फिंगर टिप से आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप जो ब्यूटी ब्लेंडर है या फिर आपके पास जो स्पंज है उसके साथ, जो स्पॉन्ज है, मेकअप स्पॉन्ज है, उसके साथ आप वो यूज़ करके आप इसको हल्के से अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पूरे फेस पे नेक पे ब्लेंड कर सकते हो। इसको इसी तरीके से आपको उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एज यूजुअल मैं जैसा बोलती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर जो है यूज़ करने के पहले आपको थोड़ा सा मॉइस्ट करना है ताकि आपके फेस में जो भी आप मेकअप लगा रहे हो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। फाउंडेशन को अच्छे से फेस में ब्लेंड करने के बाद अब मैं करूँगी आईब्रोज़ को शेप। तो मैं यहाँ पे आईब्रोज शेप करने का टूल जो है ब्रश की मदद से अपने आईब्रोज़ को थोड़ा शेप कर रही हूँ। और उसके बाद जो है उसके बाद मैं लगाऊँगी काजल अपनी आँखों में। तो आपको ज़्यादा डार्क काजल नहीं लगाना है, बहुत ही लाइट काजल लगाना है। और
तरीके से मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई कर लिया है, बहुत ही सॉफ्टली लाइटली आपको काजल अप्लाई करना है। मैंने काजल यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ, जो भी नेचुरल कलेक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ, जो भी शेड्स है बहुत ही लाइट शेड्स है, बहुत ही नेचुरल शेड, नेचुरल लुक देने वाला शेड्स है इसमें। तो मैं थर्ड वाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट, मतलब को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही लाइट शेड है, देखो आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट है, ये ज़्यादा हेवी नहीं लग रहा है। तो नो मेकअप लुक है, तो इसलिए जो भी हम लोग शेड्स यूज़ कर रहे हैं आई, तो इसमें हम लोग जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आई शेडो यूज़ कर रहे हैं, ब्लश यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बहुत लाइट लाइट कलर वाला यूज़ करना है। अब ब्रश की मदद से आई शेडो को ब्लेंड कर लो, और उसके बाद जो है अगर आपका ऐसा लग रहा है कि अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो फिंगर टिप्स की मदद से आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो दोनों में आंखों के ऊपर। तो अब यह आई शेडो जो है अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अगेन मैं यहाँ पे अब जो है इसके बाद अपने ब्रोज फिल करूंगी। आईब्रोज फिल कर लेना है आपको, आपको कोई भी लाइट कलर से, ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं यूज़ करें आप, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं देगा। आपको कोई लाइट कलर यूज़ करना है, मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी मदद से मैं अपने दोनों भी आईब्रोज फिल कर लूँगी। अप्लाई करूँगी आईलाइनर। आईलाइनर आपको विंग वाला, मतलब आईलाइनर आपको बहुत ही बेसिक वाला लगाना है, बहुत डार्क नहीं लगाना है आपको, बहुत ही लाइट लगाना है। और जो आप नॉर्मली आईलाइनर का जो शेप्स बनाते हो, जो क्रिएट करते हो, वैरायटीज ऑफ आईलाइनर लुक्स है, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। आप चाहे तो कर सकते हो, बट वो इतना नेचुरल नहीं दिखेगा। तो आपको बहुत ही बेसिक थिन लाइन क्रिएट करना है, तो वो जो है नो मेकअप लुक के लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी ब्लश। ब्लश के लिए मैंने लाइट पिंक लिपस्टिक यूज़ किया है, बहुत ही लाइट पिंक है ये। तो ये जो पिंक कलर का जो लिपस्टिक है, यहाँ पे मैं ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ। के बाद शेड डार्क है, तो अब बेस्ट है कोई लाइट लिपस्टिक यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ उसके बाद लास्टली ये लुक को फिनिश करने के लिए मैं लगाऊंगी सेम लिपस्टिक अपने लिप्स के ऊपर, वो भी आपको बहुत लाइट लगाना है। लाइट लगा के आपको हाथ से स्पेट कर लेना है, क्योंकि आप लिपस्टिक के थ्रू आप उसको ज़्यादा रब करोगे तो डार्क डार्क लगेगा। डार्क लगने से लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है, तो ये नो मेकअप लुक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए आपको कोई न्यूड शेड वाला लिपस्टिक यूज़ करिए। मैं अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लाइट शेड वाला आप यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूरे फेस को आप लूज़ पाउडर से सेट कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मेरा मेकअप रूटीन है, जब मैं नो मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ तो ज़रूर मैं इसे याद से लाया वैसलीन। तो मैंने यहाँ पे वैसलीन लगा लिया है, तो देख सकते हैं आप, ये मेरा फाइनल लुक है। देखो कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, नो मेकअप वाला लुक। मेकअप भी है और मेकअप भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेकअप, ये वाला जो नो मेकअप लुक है, आप इसे ट्राई करके देखिए कैसे लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईट वेल, स्टे गुड। हाँ, और एक बात बोलना ही भूल गई, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और नीचे का जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर देना, ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्टे होम, स्टे सेफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।